अब इंस्पेक्टर साहब, मैं मिस्टर अरोड़ा, बारिक इंडस्ट्रीज का लीगल एडवाइजर एंड लॉयर हूं। क्या मैं अपने मुवक्किल से 5 मिनट बात कर सकता हूँ? ठीक है, जाओ। थैंक यू। ऋषि, अब शोशा लगा नहीं भी सको। जी बारिक साहब, मैं सीधे फैक्ट्री से आ रहा हूँ। मामला बिल्कुल उलझ चुका है, सारे मजदूर आपके खिलाफ हैं। और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, उनका क्या कहना है? मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ने तो हाथ खड़े कर दिए। उनका ये कहना है कि आपकी तरफ से रिपेयरिंग के लिए कोई भी फोन नहीं आया था। क्या झूठ बोल रहे वो लोग? जानता हूँ, इसीलिए आप लोगों को सावधान कर रहा हूँ। कोई ना कोई है जो आप लोगों को फंसाने की कोशिश कर रहा है। सबमिशन की टाइमिंग सिर्फ 4 बजे तक थी और हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। ठीक है वकील साहब, आप कल सुबह तो बेल करवा सकते हैं ना? बिल्कुल मुमकिन नहीं है, क्योंकि कल सैटरडे है, परसों संडे है। अब जो कुछ भी होगा मंडे को ही हो सकता है। मेरा दम घुट रहा है यहाँ पे। प्लीज प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। प्लीज रिलैक्स राहुल, रिलैक्स। मिस्टर अरोड़ा हमारे बिल के लिए फोन पर बात करें। क्या हुआ मिस्टर अरोड़ा? सॉरी मिस्टर ऋषि, बिल सबमिशन की टाइमिंग सिर्फ 4 बजे तक थी और हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। ठीक है वकील साहब, आप कल सुबह तो बिल करवा सकते हैं ना? बिल्कुल मुमकिन नहीं है, क्योंकि कल सैटरडे है, परसों संडे है। अब जो कुछ भी होगा मंडे को ही हो सकता है। मतलब हम लोगों को यहाँ पर मंडे तक रुकना होगा? ऋषि मुझे डर लग रहा है, मेरा दम घुट रहा है। प्लीज कुछ करो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। ऋषि डैड, मेरा दम घुट रहा है यहाँ पे। प्लीज कुछ कीजिए डैड, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। यहाँ पे रिलैक्स, प्लीज प्लीज डू समथिंग। बिल्कुल पारिक साहब, मेरी कोशिश है कि आपको जल्द से जल्द मैं यहाँ से बाहर निकालूं, लेकिन यूनियन ने इतना सॉलिड केस बनाया है, आप सबको बेगुनाह साबित करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है सर। मुश्किल ही है ना?